हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल बैगन का भरता। तो चलिए शुरू करते हैं, और रेसिपी पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। ये है मेरे पास भरते वाला बैगन, जो साइज में तो काफ़ी बड़ा है लेकिन वेट में काफ़ी कम है, और ये लगभग 600 ग्राम के आसपास है। बैगन को हम भूनेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे। सरसों का तेल लगाने से बैगन जल्दी से पक जाता है और बैगन में एक सोने सी खुशबू भी आती है। तो इस तरह से हमने तेल अप्लाई कर लिया। अब बैगन के बीच में कट लगा लें और एक बार चेक कर लें, बैगन ओके है। अभी बैगन बहुत ही सही है हमारा। तो अब इसमें मैं बैगन के बीच में लहसुन की कलियां डाल दूंगी, जैसे लहसुन भी बैगन के साथ पक जाएगा और एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो 7-8 कलियां मैंने ली हैं लहसुन की, और इस तरह से इसको फिल कर दें। अब मैंने 250 ग्राम टमाटर भी लिया है, और इसे भी बैगन के साथ हम भून लेंगे। गैस पर धीमी आंच पर इसे भूने, चारों तरफ घुमाते रहें बीच बीच में, और ये बहुत जल्दी से पक जाता है। बैगन अच्छी तरह से पक चुका है हमारा। और इसी पे हम टमाटर भी भून लेंगे। जब बैगन थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसका छिलका हम निकाल लेंगे, और टमाटर भी छिलका हमें निकाल लेना है, और जो बैगन के बीच में लहसुन हमने डाल के रखा था उसे भी हम निकाल लेंगे, और इसको अलग से हम काट कर इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से टमाटर, बैंगन और लहसुन काट कर हमने रेडी कर लिया। ये जो हम लहसुन काट रहे हैं इसे काट कर हम बैंगन में ही मिला देंगे। अब पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालें, और इसमें जीरा डालें 1/2 छोटा चम्मच। अब इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक बारीक काट कर डालें, और प्याज एक बड़ा इस तरह से बारीक काट कर डालें। इनको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसी में थोड़ा हींग भी डाल लें। जब प्याज थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें 2-3 हरी मिर्ची बारीक काट कर डालें। मैं इस बैगन के भरते में सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो तीखापन है सिर्फ हरी मिर्च से आएगा। मैं और कोई भी मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं इसका नेचुरल कलर रखना चाहती हूँ बैगन के भरते का। नमक डालें स्वाद के अनुसार। थोड़ी देर हम पकाएंगे जिस प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, क्योंकि हमने जो हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी पक जाए वो भी। बिल्कुल आप देख रहे ना, ऐसा होना चाहिए हमारा प्याज पककर। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और टमाटर जो कटा हुआ है उसे हम डाल देंगे। ये टमाटर बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत पहले ही पका हुआ है, तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। बट इसे ढक कर कुछ देर और रख देंगे कि ये और अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लें, और फिर इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच। और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि हम भरता बना रहे हैं, सब्जी नहीं बना रहे हैं। तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ये सब कुछ नहीं जाने वाला है। नहीं तो अगर हम ये डालते हैं तो ये सब्जी बन जाएगी, भरते का टेस्ट नहीं आएगा। तो बिल्कुल सिर्फ गरम मसाला डालें, वो भी थोड़ा सा मिलाएं,
अच्छी तरह से, और उसके बाद हम बैगन और जो लहसुन काट कर हमने रखा था उन्हें डाल देंगे। फिर इन्हें धीमी आंच पे ही हम पकाएंगे, और बहुत ज़्यादा आप सूखा ना करें बैगन के भरते को, इसको थोड़ा सा इसको जूसी ही रहने दें, तभी बैगन का भरता ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी देखिए मैंने इसे मिला लिया, अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ क्योंकि हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ। अभी बैंगन का भरता तो तैयार हो गया, लेकिन ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता बनाने के लिए इसमें स्मोकी फ्लेवर देना जरूरी है, क्योंकि ढाबे वाला जो भरता होता है उसमें स्मोकी फ्लेवर होता है, क्योंकि वो लोग कोयले पे ही बनाते हैं और नेचुरली उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो इसके लिए चारकोल है, उसे बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लें और एक कटोरी में रख कर थोड़ा तेल डालें और इसे ढक दें। जो इसका स्मोक निकलेगा ना तेल का, वो पूरा अच्छी तरह से भरते में एब्जॉर्व हो जाएगा और बहुत बहुत ही फ्लेवरफुल ये भरता बनता है और काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, मुझे यकीन है कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो इस तरह से आप भी बनाएं बैगन का भरता और एंजॉय करें गर्मा गर्म चपाती राइस के साथ। तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।